नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूँ ड्रिलिंग मशीन, अग्नि कंपनी का। ये छोटी सी है, इसकी आज हम और ये बिजली से चलता है, छोटा सा टेस्टिंग और आपको बताएंगे ये मशीन कितने कारगर है। कारपेंटर भाइयों के लिए बहुत काम की मशीन है ये, इसको आज हम टेस्टिंग करेंगे। ये लगाया हमने कॉर्ड, ये एक्सटेंशन बॉक्स है, इसको बनाते हुए वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगी। ये एक्सटेंशन बॉक्स बनाया है पेंट के डिब्बे से, और इसमें 10 मीटर तक तार जा सकती है। अब हम इस मशीन की टेस्टिंग करेंगे। ये दो कीले हैं, एक छोटी एक लंबी, और इसमें पहले हम सबसे लो गियर में, ये गियर सिस्टम है, इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं टॉर्क को। और ये अब हम इसको लो टॉर्क में या लो स्पीड में अभी इस कील डाल के देखते हैं क्या होता है। ये हमने दबाया बटन, ये गई कील, ये आधे में रुक गई क्योंकि टॉर्क हो गया कम। तो अब हम इसकी टॉर्क बढ़ाएंगे। जितनी लंबी कील होगी उतना हाई टॉर्क होगा, जितना छोटा कील होगा उतना लो टॉर्क होगा। ये गई कील, ये चले गई कील हाई टॉर्क करने से, इससे प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है कील डालते समय, ताकि चूड़ी फ्री भी ना हो या ढीली भी ना हो, बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो, बढ़िया कंट्रोल में आती है। ये छोटी सी भी है क्योंकि पहले जो मशीनें होती थी थोड़ी बड़ी होती थी और उसका स्पीड इतना कंट्रोल नहीं होता, उसका टॉर्क सिस्टम होता नहीं था। टॉर्क बोले तो ताकत होता है शायद, हाँ ताकत ही होता है। तो अब ये डालेंगे दूसरी कील हम, ये थोड़ी सी लंबी है, उससे हल्की मोटी है, इसको अब देखते हैं। आधी है ये रुक गई, अब इसकी टॉर्क बढ़ाते हैं, अब ये चली जाए, इससे बढ़िया करके कंट्रोल कर सकते हो कील डालते समय चूड़ी वाली लकड़ी में। और ये निकाली हमने कील, इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड का बटन दिया है, वो सही जगह दे रखा है ताकि आप बढ़िया करके चला सकें। छोटी सी है, प्यारी सी मशीन है ये। अब हम इसमें SDS स्क्रू डालेंगे, जो कि रूफ सीट लगाने में, छत बनाने में आती है काम, आजकल चल रहा है ये। तो इस कील को भी लगा के देखेंगे इस मशीन से, ये कितना कारीगर है इस कील को डालने के लिए। ये छोटी सी पट्टी है लोहे की, इसमें डाल के देखते हैं। ये बटन दबाया, इसको पकड़ना और सीधा रखना आसान है क्योंकि छोटी सी है, फुटकती नहीं है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते, बढ़िया करके कंट्रोल रखते हैं। जितनी छोटी मशीन उतना बढ़िया कंट्रोल रहता है, छोटी है मगर ताकत बहुत है इस मशीन में। ये कस गई, ये अब हम निकाल दें इस मशीन को, इस कील को, ये निकल गई कील, ये देखो छेद हो गया। इस बीट को, इस कील को छेद करने के लिए भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास बीट नहीं है। और ये फिर से डाल के दिखा रहे हैं, ये निकाल भी सकते हो, डाल भी सकते हो। जो वेल्डर वेल्डिंग का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत काम की चीज़ है ये मशीन, रख सकते हो क्योंकि छोटी सी है, जगह कम लेती है और बढ़िया कंट्रोल है इस मशीन का। ये इसमें कीलेस चक है, ये देखो बिना चाबी के आप बीट लगा खोल सकते हो, चाबी रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाबी के साथ खो जाती है, चाबी खो जाती है। अब लगाएंगे हम, लकड़ी में छेद करके देखेंगे। इसमें 10 mm तक का चंक है और इसमें 10 mm तक मोटे, 10 mm तक का मोटा बीट लगा सकते हैं। ये किया हमने लकड़ी में छेद, अब लकड़ी में छेद करके दिखाएंगे आपको कितना जल्दी कर पाता है, कितना सही कर पाता है। ये देखो अगर बीट अच्छी है आपकी तो सेकेंडों में ये छेद कर देती है, क्योंकि बीट गंदी होती है तो मशीन में जोर पड़ता है। ये तो बीट भी अच्छी है और मशीन में भी कोई कमी नहीं है, तो छेद हो गया जल्दी। अब हम दूसरा बीट लगा के देखेंगे, ये है पैडी वाला बीट 19 mm का, अब इसको भी यूज़ करके देखेंगे। जितने भी कारपेंटर भाई लोग हैं ये मशीन रख सकते हैं, ये सारा काम कर लेगी, कारपेंटरी का सारा काम कर सकती है, लोहे में भी छेद कर लेगी, लकड़ी में,
और जैसा कुंडी घटाने के लिए छेद करते वो भी कर लेगी। ये देखो ये कर दिया छेद, मुश्किल से 5 से 6 सेकेंड लेती है। ये अग्नि कंपनी का ये ड्रिलिंग मशीन है। कंपनी के बारे में तो पता नहीं, मगर ये मशीन में यूज करते हुए 1 महीना हो गया है, तो अभी इसको टेस्टिंग किया ताकि मैं खुद यूज करूँ ताकि बता सकूँ आपको। तो मैंने पहले खुद यूज किया तब मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो कितने जल्दी छेद कर दिया ये देखो भाई, बढ़िया मशीन है, बढ़िया मशीन है ये भाई है। और जो भी वेल्डिंग का हल्की है और इसमें ये गियर सिस्टम है बढ़िया, और ये चंक भी छोटा सा है, प्यारा सा है, प्लास्टिक बॉडी है इसमें, और तार भी 2 मीटर दे रखी है।